कन्नौज के छिबरामऊ तहसील के अंतर्गत प्रेम कुमार में NH91 के चौड़ीकरण में दुकानदारों तथा किसानों ने प्रदर्शन किया। प्रेमपुर में जब से GT रोड का चौड़ीकरण सिलसिला चालू हुआ है, तब से 3 बार नाप झोंक हो चुकी है और तीनों बार नापने वालों ने अलग अलग नाप करके दुकानदार व किसानों को कशमकश में डाल दिया, जिसका सब्र आज टूट गया और दुकानदारों और किसानों ने विवश होकर जोरदार प्रदर्शन किया। वो अपनी अपनी आवाज को शासन से प्रशासन तक पहुंचाने का बीड़ा भी उठाया। टाउन फौज पुलिस में नौकरी करने के बाद मिली रकम से इसे GT रोड के किनारे प्लॉटों में लगाकर अपनी दुकान बड़ा घर बनाए। उन सब लोगों को यह नहीं पता था कि उनकी मकान तथा दुकानें हैं। एक झटके में देश की सेवा करके जो धनराशि इस तरह विलीन हो जाएगी और लाखों रुपए लगाने के बाद मुआवजा हजारों में मिलेगा। उसके बाद आज प्रेमपुर बाजार व क्षेत्र में सैकड़ों लोगों ने सामने रोजी रोटी की समस्या भी उत्पन्न होने का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में दुकानदार व किसानों ने बाजार भाव के मुआवजा दिलवाने की शासन से अपील कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर भारी तादाद में सैकड़ों लोग जैसे कि डॉक्टर दयानंद नथुसी यादव, चंद्र प्रकाश सोनी, गिरेंद्र सिंह शाक्य, गोविंद पाल, अमित शर्मा, सुनील गुप्ता, डॉक्टर सी वीर सिंह, रमेश यादव, राजेश यादव, रामकिशन शुक्ला, बादशाह सिंह, सुरेंद्र चंद्रपाल, विद्याराम दुबे, विद्याराम वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। ग्रंथ सिंह शाक्य जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या जो हाईवे बनने की पोजीशन लगातार आ रही, जो जी जो चर्चाओं में आ रहा है कि ये सर्किल रेट के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा जी। जो सर्किल रेट निर्धारित है जी, वो पर हेक्टेयर निर्धारित है, तो उसको मिला के किसी किसी किसान की या किसी किसी आदमी की जमीन ये डेसिमल में काउंट कर रहे हैं जी, जबकि वर्ग मीटर में या वर्ग फुट में काउंट करना चाहिए। और उस जमीन का जो बैनामा करवाया हुआ है उसमें जो इसकी रियल स्टाम्प वैल्यू थी, कमर्शियल वैल्यू थी या आवासीय वैल्यू थी, उस तरीके से भुगतान किया उसने, और उसको जो मुआवजा देने की पोजीशन आ रही है, जैसे चर्चा में आ रहा है हाईवे वालों के द्वारा, वो खुल के नहीं बता रहे हैं। दूसरी बात ये बता रहे हैं कि जो यहाँ का सर्किल रेट है पर हेक्टेयर के हिसाब से, जो डेसिमल के हिसाब से पर हेक्टेयर के हिसाब से, उस तरीके देना चाह रहे हैं। तो हम लोग की मांग ये है, पहले तो अगर यहाँ पर जो वर्तमान में जो प्रेमपुर में आबादी हमारी है, इतनी आबादी घनी हो चुकी है यहाँ पर, अगर हो सके तो 4 लेन किया जाए। अगर 4 लेन से नहीं बात है तो हमारा 6 लेन ही हो, लेकिन हमें रियल जो कमर्शियल लैंड का मामला यहाँ पर है, जो कमर्शियल हिसाब से है, उस तरीके से मुझे दिया जाए यहाँ पर। डॉक्टर दयानंद साहब, क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी ये है, हमने सन 76 में प्लाट खरीदा था और 96 में मकान बनाया, हमारा पूरा जा रहा है रोड के अंदर। अच्छा, तो इसका मुआवजा वगैरह आपको नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, कोई बता नहीं, पैमाइश करने में आए लोग कोई उचित उत्तर नहीं देते, कोई सक्षम अधिकारी भी बात करने नहीं आता। आपने कहीं आपत्तियां दर्ज कराई हैं? जी हाँ, कानपुर कार्यालय के अलावा कहीं कराई? जी, और कोई नहीं। कहना चाहेंगे कि भैया ये रोड जो बन रहा है और अलीगढ़ से लेकर के और मैनपुरी जिले तक 4 लाइन बन रही है, और कन्नौज जिले से लेकर के मानीमऊ तक कानपुर तक 6 लाइन की नाप हुई है, जो कि कन्नौज जिले के ऊपर हमारे यहाँ इसको धार पे रखा गया है, ये गलत है। अगर नियम एक है तो अलीगढ़ से और कानपुर तक 4 लाइन ही बननी चाहिए, और प्रेमपुर में जो आबादी बस रही है, जो कम से कम 500 आदमी बेघर हो रहे हैं, ये बिल्कुल बेघर रोजी रोटी के बिल्कुल बेकार हो रहे हैं, और जो कि बिल्कुल ही अन्याय की बात है। और यहाँ जो मुआवजा दिया जा रहा है वो कमर्शियल न दे करके वो कृषि भूमि के आधार पर दिया जा रहा है, जो कि अगर मुआवजा दिया जाता है तो कमर्शियल तरीके से दिया जाए। कन्नौज के छिबरामऊ तहसील से प्रताप सोनी की रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज़ कन्नौज।